रम्फूदेखि चित्रेसम्म टिस्टा नदी किनारमा थुप्रो परेको बालुवाको निरीक्षण गर्न कलकत्ताबाट एक टोली आएका छन्। रिभर रिसर्चिङ इन्स्टिच्युट कलकत्ताका डिप्टी डाइरेक्टर सुबोधित सरकार, इरिगेसन एन्ड वाटर वर्क्स अनि कालिम्पोङका सम्बन्धित सिँचाइ विभागका अभियन्ताहरूको टोली आज रम्फू आएका छन्। केटिभी समाचारका सरप्राइज ओसिएस कालिम्पोङ, वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, DPMI सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम, एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। नमस्कार केटिभीमा, यहाँलाई म स्वागत जनाउँछु। म उमेश परियार, अहिले म रम्फूमा आएको छु। रम्फूमा आउँदाखेरि एउटा सर्वे टिम भनौँ, इरिगेसन डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ सोइल टेस्टिङको लागि यहाँ केही अधिकारीहरू आएका छन्। हामीले यहाँ आएर उहाँहरूसित कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गर्दाखेरि गाउँमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। एक्चुअली यहाँ चाहिँ रम्फूको जुन यो अब रिभर बेड छ, यहाँ चाहिँ प्रोटेक्सन वाल गरिन्छ भनेर गाउँमा एउटा खुसीको माहौल पनि छाइरहेको थियो। अनि यसै अवधिमा जुन उहाँहरूले बलुवा कलेक्ट गर्नुभयो, यहाँको है माटो कलेक्ट गर्नुभयो, कलेक्ट गरिसकेपछि हामीले उहाँहरूसित कुराकानी गरेका छौँ, अधिकारीहरूसित। एक्चुअली जुन यो माटो यहाँ उठाइएको छ, खासमा यो चाहिँ प्रोटेक्सन वाल गर्नको निम्ति चाहिँ यो उठाइएको होइन। यो चाहिँ यहाँबाट जुन जम्मा भएको गिटी बलुवा छ, यो चाहिँ अन्य प्रोजेक्टमा युज गर्न लायकको छ कि छैन, त्यसमा चलाउन सक्छ कि सकिँदैन भन्नको निम्ति चाहिँ यो सोइल टेस्टिङ गर्न इरिगेसन डिपार्टमेन्टका कलकत्ताबाट नै यहाँ निर्देशकहरू आउनुभएको रहेछ। हामीले उहाँहरूसित कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानी यस्तो छ, तो यहाँ से GTA का एक डिमांड था, एक प्रपोजल था हमारा डिपार्टमेंट से, इरिगेशन एंड वाटर वेज डायरेक्टोरेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो यहाँ पर जो तीस्ता और रंगपो का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, यहाँ पर जितना सेडिमेंटेशन हुआ है एवं इसका रिवर कोर्स थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए डिपार्टमेंट में एक डिमांड भेजा था एवं उसी हिसाब से हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट से आज यहाँ पर इंस्पेक्शन करके सॉइल सैंपल कलेक्ट किया। इस सॉइल सैंपल से हम टेस्टिंग होगा ये सॉइल सैंपल का, जो सॉइल का जो नेचर है वो हम लोग देखेंगे, ये कि इसका वायबिलिटी क्या है, ये जो रिवर्बेट मटेरियल है ये कौन काम पे आएगा, कंस्ट्रक्शन पे कौन काम पे आएगा, तो ये सब देखने के बाद और इसके बाद एक सर्वे होगा टोटल रिवर कोर्स में कितना सेडिमेंटेशन अभी तक डिपोजिशन हुआ है, तो वो देख के हम बता सकते हैं जो इतना सेडिमेंटेशन है एवं रिवर कोर्स को नॉर्मल चैनल मतलब जो मेन जो कोर्स है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कितना सेडिमेंटेशन को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन के बाद रिपोर्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद हम बता सकते हैं। और जो यहाँ पर जो रिवर तीस्ता और रोंगपो का जो मेन कोर्स है वो नॉर्मल जो डिस्चार्ज है वो रखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सर, ये एक्चुअली सोइल टेस्टिंग किस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्शन वन होगा या मतलब अभी कोई प्रोजेक्ट कोई नहीं है, ये जो ये तो नेचुरल सेडिमेंटेशन है, तो ये तो ऊपर जो हिल एरिया से पत्थर सैंड स्टोन ये सब यहाँ पर आके डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका तो क्वालिटी है, अलग अलग से क्वालिटी है, तो ये हम फर्दर इसको हम कोई प्रोजेक्ट में हम ये इसको काज यूज करने के लिए हम ये सब टेस्टिंग करने के बाद बता सकते हैं इसका वायबिलिटी क्या है, ये कौन सा कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, ये सब हम बता सकते हैं। सर, ये बोल सकते हैं कि बाद में इस ये एरिया को जो क्वेरी के लिए कुछ इसको बनाने के लिए भी? मतलब बेड बनाने के लिए जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जहाँ से मिलता है, हाँ हो सकता है उसके लिए,
लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आप लोग जो सोइल टेस्टिंग कर रहे हैं, हाँ, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल होगा, ये आप लोग प्रोटेक्शन वॉल करने के लिए तो नहीं? ना ना ना, प्रोटेक्शन वॉल होगा कि नहीं होगा वो बात में हम बता सकते हैं। अभी जो होगा यहाँ पर सर्वे होगा और सॉइल टेस्टिंग होगा, ठीक है। सर्वे होने के बाद ये लास्ट ईयर जो फ्लड हुआ है ना, उसी वजह से तो ये सब आके यहाँ पर डिपोजिशन हुआ है, यहाँ पर सेडिमेंटेशन हुआ है, ठीक है। और कितना वॉल्यूम पर सेडिमेंटेशन हुआ है, जिसलिए आप लोगों का यह जमीन पर यहाँ पर जो हैबिटेशन है उसका लॉस हुआ है, तो पहले ये जो सेडिमेंटेशन है, डिपोजिशन है, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, कितना वॉल्यूम है यहाँ पर सेडिमेंटेशन, वो फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। उसी साइमल्टेनियसली इसको जो क्वालिटी है सॉइल का, मतलब यार रिवर्बेट मटेरियल का, वो भी हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। वो किस काम पे आएगा ये भी हम देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग का जो सॉइल टेस्टिंग कहाँ कहाँ में हो गया और कहाँ कहाँ होगा? ना आज एज पर जो डिमांड है, जीटीए का जो डिमांड दिया है हम डिपार्टमेंट में, वही पॉइंट में हमारा जो जीटीए में जो इंजीनियर साहब है वो हमको लेके जाएगा उस पॉइंट में, हम वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा, ठीक है। सर आपका गुड नेम सर? मैं शुभदीप सरकार, आई एम शुभदीप सरकार, डेप्यूटी डायरेक्टर रिवर रिसर्च इंस्टीट्यूट इरीगेशन एंड वाटर वेस्ट डिपार्टमेंट। मेरा नाम आनंद दीक्षित, आज इरीगेशन एंड वाटर वेस्ट कैलिंपोंग इरीगेशन डिवीजन यो हाम्रो रम्फूदेखि लिएर रवि झोडासम्मको जुन चाहिँ कन्फ्लुएन्स पोइन्ट छ त्यो सबै इलाकामा 5 स्ट्रेटेजीहरू छ। एउटा यो रम्फू भइहाल्यो, एउटा तुम्लाबुङ बारामाइल, अर्को हाम्रो मल्ली टु लाब्रोपोटे त्यो एउटा स्ट्रेच छ, तिनवटा भयो। त्यहाँदेखि टुरिस्ट लज चित्रे मुनि त्यो चारवटा, र लास्ट स्ट्रेच हाम्रो टिस्टाको डल्ले स्ट्रेच, 5। जम्मा 5 स्ट्रेचेसको चाहिँ हामीले आज सोइल स्याम्पलिङ गर्नेछ। यो सबै जुन थुप्रिएको माटो गिटीहरू छ यसलाई उठाएर कुन चाहिँ प्रोजेक्टहरूतिर काम लगाउन सकिन्छ त्यसकै लागि मेबी हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भने हाम्रो चाहिँ प्रपोजल यहाँनिर वालको लगाएको छौँ हामीले है डिफ्रेन्ट स्ट्रेचेसमा है। अब सायद यो टेस्टले हामीलाई यो क्वारिङ गर्नु सक्छ कि सक्दैन, यो मटेरियल कति छ फिजिबल यो युजमा ल्याउनु त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को यो टेस्टले हामीलाई सोइल कन्डिसन हामीले त्यो स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि कसरी हामीले गराउन सक्छौँ त्यसमा हामीलाई आइडिया हुन्छ। पार्टिकुलर आजको जुन इरिगेसन डिपार्टमेन्टबाट जुन सर्वे सोइल टेस्ट त्यो चाहिँ प्रोटेक्सन वालको लागि चाहिँ होइन, यहाँको क्वारिङको लागि, फर्स्ट क्वारिङको लागि सिल्ड गर्नु मिल्छ मिल्दैन, यसलाई रियुज गर्नु सक्छ सक्दैन हामीले त्यसको लागि हो। अच्छा वालको लागि हजुर, थ्याङ्क यू। त्यो अलगै स्किम्सहरू छ, अलगै स्किम्सहरू छ, थ्याङ्क यू हजुर।